आ गए हो सुनील जी खाटी बिहारी आ गए। आ गया सुनील जी खाटी बिहारी। संपूर्ण भारत के छात्रगण जो कि दसवीं कक्षा में अध्ययनरत है उनके सामने सुनील जी खाटी बिहारी पुनः लाजवाब बेहतरीन रोचक ढंग से और ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हुआ। और इस बार टेंथ के विज्ञान विषय से चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भाग एक प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन एक के पहले हम तोहार के स्पष्ट कह देत बानी कि हमनी के पढ़ावे के स्टाइल बा कि हम गंभीर से गंभीर विषय को आपको हास्य विनोद के अंदाज में पढ़ाना पसंद करते हैं। और जिनको भी हास्य विनोद पसंद ना हो भैया, यदि आपने सब्सक्राइब रखा है तो आप अनसब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और यदि आपने ना इसको लाइक करो ना इसको सुनो। लेकिन जो भी छात्र गंभीर से गंभीर विषय को हास्य विनोद मजाकिया अंदाज में पढ़ना पसंद करते हो आपके लिए यही चैनल है। सबसे पहले एक सब्सक्राइब करा, अपने दोस्त यार के बतावा, लाइक करा और एक के बाद तू आगे बढ़ो। शुरुआत करता हूं बिना राग लपेट के कि प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कहते हैं मैनेजमेंट को। प्राकृतिक संसाधन की वैसी चीज जो हमको प्रकृति ने दिया है, जैसे जल हुआ, वायु हुआ, मिट्टी हुई, भूमि हुई, पेड़ हुए, पौधे हुए, ये सारे चीज पर कैसे हम इसको मैनेज करें, कैसे प्रबंधन करें। तो यहां देखते हैं कि वन जीव, जल, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब प्राकृतिक संसाधन है जो कि कभी भी एक तो इसको बनने में लंबे समय लगता है और 100-200 वर्षों में ये समाप्त हो सकता है। तो हो सकता है, तो इसलिए इसको हम समुचित प्रबंधन इसको करें, इसका जो व्यय करें, इसका जो खर्च करें, अगले जनरेशन के लिए भी हम इसका समुचित उपयोग के लायक इसको रहने दे, यही है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। अब यहां पर देखते हैं जब पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए, पर्यावरण के अच्छा प्रबंधन के लिए तीन आर पर ध्यान दे, ट्रिपल आर, यू शुड यूज द ट्रिपल आर, दीज आर द वर्ड। तो ये ट्रिपल आर हुआ रिड्यूस, रिसाइकिल और यूज। रिड्यूस माने कम उपयोग करें, दूसरा रिसाइकिल पुनर्चक्रण करें, और तीसरा रियूज, रियूज माने पुनः उपयोग करें। मीन्स कि देर आर थ्री आर, इफ यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द थ्री आर एंड ऑलवेज हैविंग द कंसिडरेशन ऑन द थ्री आर, तो उस स्थिति में आपका ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन का अच्छा प्रबंधन किया जा सकता है। यहां आइए कम उपयोग, जो चीज जिसका उपयोग जितना आपने कर लिया आपके आवश्यकता के लायक है तो उसका दुरुपयोग ना करें। तो हार के देख ले होगा कि बहुत जगह ऑफिस में ऐसे ही पंखा चलत बारा, कोई ध्यान नहीं देत बारा। हमने देखा है जो स्ट्रीट लाइट पर वैसे ही स्ट्रीट लाइट जल रही है, स्विच है कोई इसको ऑफ करने वाला नहीं है, रात दिन चलते रहता है। हमने देखा जो गांव में, बिहार में ही देखा जो कई जगह इसमें नल जल कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ कई जगह नल ओपन बह रहा है, खुला बह रहा है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। एक जगह तो हर का आश्चर्य हुई, हमने के देखले बारा कि नल खुलल बारा, पानी के फोर्स चलत बारा, आ ओ में साठ आ पारा ओ में बैठल बारा, कि जरा हम कनी भैंसा बैठल बारा ओ में बकरा नहात बारा। अब तुम्हें समझ लो कि स्थिति यदि हो एक माने जल के दुरुपयोग कर दबारा, इसका माने जल का दुरुपयोग होता है। बहुत जगह ऐसे देखते हैं कि वैसे ही ट्यूबलाइट बिजली जल रहा है, नल टपक रहा है, उससे टिपटिप पानी गिर रही है, इसको रोकना। जितनी जरूरत है उसका उपयोग हो गया, उसके बाद उसको बंद कर देना, रोक देना, ऑफ कर देना, ये हो गया, इसको कहते हैं कम उपयोग। खाने में भी देखिएगा, भोज भात में देखिए आहार लोग लेते हैं, उसमें खाने के लिए पुलाव, रसगुल्ला, चावल, करी, जो भी हो, चिकन लेकर के बर्बाद करके फेंक देते हैं। ये नहीं होना, जितना आवश्यकता उतना लो भैया, और जो नहीं आवश्यकता है मत लो, बर्बाद मत करो। भोज भात में देखिएगा बहुत बर्बाद अन्न फेंक दिया जाता है, सड़ता है, बदबू करता है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा है पुनर्चक्रण, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं कि आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, तो रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे हो गया प्लास्टिक, हो गया कागज, हो गया कांच, हो गया कांच, हो गया तो प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तु, इसको पुनर्चक्रण हम कर सकते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकिल करके फिर से प्लास्टिक बना सकते हैं, इसका है। हालांकि प्लास्टिक का उपयोग धीरे धीरे कम किया जाने लगा है, कागज को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। आप देखते हो पेपर, न्यूज पेपर नहीं बिकता, उसको लौटा के ले जाया जाता है, उसका फिर उसका प्रिंट उड़ा करके फिर से उपयोग कर लिया जाता है। कांच ले लीजिए, कांच यदि फूटा उठा है तो उसको फिर से कांच पिघला करके एनलिंग करके फिर से दोबारा उसको ढाल लिया जाता है। तो कई धातु का भी पुनर्चक्रण किया जाता है। आप देखिए होगा
कि टूटे फूटे सामान लेने वाले आपका टूटा हुआ कुर्सी भी ले लेगा, टूटा हुआ बैटरी भी ले लेगा, टूटा हुआ प्लेट ले लेगा, टूटा हुआ कांच ले लेगा, बोतल ले लेगा सब, और उसके एवज में आपको कुछ पैसे भी देता। क्यों? व्हाई? व्हाई इज गिविंग द मनी फॉर योर वेस्टेज मटेरियल्स? तो इसका यही उसका कारण है कि ही इज यूजिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिसाइकिल, उसका रिसाइकिल करता है। अब इसमें लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पुनर्चक्रण के प्रक्रिया में अपद्रव्यों को अलग किया जाता है, जो उसका ऐसा ऐसा आइटम्स है जो अनुपयोगी है, जिसकी कोई उपयोग नहीं की जा सकती, उसको अलग कर दिया जाता है, और जो उपयोगी पदार्थ है जिसको हम फिर उसको पुनर्चक्रण करेंगे, उसको निकाल कर और उपयोग में ले जाया जाता है। अब नाउ द थर्ड फैक्टर इज रीयूज। रीयूज मीन्स पुनः उपयोग करना, ये पुनर्चक्रण से भी कहीं बेहतर है। रीयूज में आपको ऐसा नहीं किसी चीज को अलग करके ढालना है फिर दोबारा तैयार करना, ये भी नहीं, आप उसी चीज को दूसरी दूसरी बार इस्तेमाल करना है। जैसे कि तू देख ले वक्त तू डलडा के डिब्बा ले पा रहा, या तू आप देखे हुए आप तेल का टीन लेते हैं, फिर जब तेल समाप्त हो जाता है उस टीन में दूसरा चीज रखते हैं, मिट्टी का तेल रख देते हैं, कोई और चीज रख देते हैं, बोतल आपने लिया हुआ हॉर्लिक्स का बोतल, हॉर्लिक्स समाप्त उसमें चीनी रख देते हैं, नमक रख देते हैं, इस तरह का कई बोतल में आप जीरा मरीच जितने भी चीज आप देखते हैं कि आपका पचफोरना मंगरेला वो सब उसमें डाल देते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, इसको कहते हैं रीयूज। रीयूज कहीं पुनर्चक्रण से बेहतर है। लिफाफे को फेंकने के बजाय फिर दूसरा काम में उसको उपयोग ले लेते हैं, कोई डब्बा है डब्बा खाली होगा फिर उसका दूसरा में उसका उपयोग कर लेते हैं, तो इसको रीयूज ये और भी रिसाइकिल से भी बेहतर महत्वपूर्ण है। अब हमको आता है कि हमें संसाधन के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों क्यों, इसका इसका सीधा उत्तर ये जान ले कि हमारे पास संसाधन सीमित है, संसाधन को बनने में लंबा समय लगता है। आप कच्चा तेल ले लीजिए, आप कोयला ले लीजिए, इन संसाधन को बनने में हजारों हजारों वर्ष लगती है, खर्च करना चाहे तो 200 से 300 वर्ष में साफ कर देंगे, फिर अगली पीढ़ी के पास क्या रहेगा। तो उसको प्रबंधन हमको जहां जरूरत है बहुत जरूरत है और वैकल्पिक उपाय भी खोजना चाहिए, तो इसलिए इसकी प्रबंधन की जरूरत है। यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो जल्द ही वो संसाधन समाप्त हो जाएगा, वो संसाधन दुर्लभ हो जाएगा, और संसाधन दुर्लभ होगा तो महंगा अधिक हो जाएगा, इसलिए उसका समुचित संतुलित और अच्छे ढंग से प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद और भी जान लीजिए कि देश की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ये सत्य है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत है। आईओ बात तू जानो तो हर का हंसी लागी अहां का हंसी आए कि भारत का जनसंख्या हर वर्ष जते ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जो हिसाब से बढ़े छे, यूरोप का जो देखे छे कुल मिलाकर यूरोप में जो आप देखते हो कुछ 46 देश हैं, लगभग हर देश भारत प्रत्येक साल उसमें पैदा करता है, चार देश के बराबर पैदा करते रहता है, बढ़ाते रहता है, चूंकि भारत में कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून ही नहीं है। तो ये स्थिति में तो और मुश्किल आते बार, संसाधन तो आपके सीमित बा, संसाधन आपके पास सीमित है और जनसंख्या बढ़ते चला जा रहा है, तो फिर उसी संसाधन को तो फिर वो भी दोहन करेगा, तो इसलिए संसाधन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका प्रबंधन होना चाहिए। हाँ, ये अलग मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण पर भी जोर देना चाहिए या इस पर भी ध्यान देना चाहिए, खैर वो अलग विषय है। तो पर्यावरण का अब यहां देखना है, संसाधन के प्रबंधन में दोहन और शोषण ये नहीं होना चाहिए, और इसके प्रबंधन में ये भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, हम ऐसा उसका दोहन न करने लगे, ऐसा उसका प्रबंधन न करने लगे कि पर्यावरण को क्षति पहुंचे, कोयला बहुत ज्यादा जलाने लगे या वृक्ष को बहुत ज्यादा काटने लगे, तो उससे पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी और ये दूसरे क्षेत्र में नुकसान पहुंचाएगा। अब यहां देखते हैं वन और वन्य जीव संसाधन। तो वन और वन्य जीव संसाधन, ऐसा संसाधन जो वन या वन में पाए जाने वाले जीव से संसाधन, उसमें पेड़ पौधे जंगल झाड़ी उसमें जड़ी बूटी और भी उसमें जीव जो जंगल में आते हैं वो भी इसके तहत आते हैं। तो आपने एक सुना होगा, यू हैव लिस्टेड वन वर्ड, इट इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट। तो तू सुन ले वो हॉटस्पॉट किसको कहते हैं, तो जैसे विभिन्न स्पेसीज जो पाई जाती है उनके संख्या जो संख्या पाई जाती है उस क्षेत्र को हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉट मीन्स की कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण स्थान हो, स्पॉट मीन्स के स्थान कहते हैं महत्वपूर्ण स्थान। इसमें आपको जीवाणु भी आता है, कवक भी आता है, फर्म भी आता है और फूल वाला पौधा भी आता है, कीट पक्षी सरीसृप सांप सब आता है। दे ऑल आर इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट्स फॉर द हॉट स्पॉट, और यू कैन से
फॉर द एनवायरमेंट। सब चीज महत्वपूर्ण है, सांप भी महत्वपूर्ण है, बाघ भी महत्वपूर्ण है, शेर भी महत्वपूर्ण है, पेड़ भी महत्वपूर्ण है, जीव जंतु, यदि कोई एक चीज समाप्त हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगी, तो दूसरे तत्व पर असर पड़ेगा। तो इसकी कोशिश यह करनी चाहिए कि विविधता नष्ट नहीं हो। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट के वेराइटीज को नष्ट ना करें, इस पर हमको ध्यान देना है। अब आते हैं दावेदार, हु आर द स्टेक होल्डर्स फॉर द फॉरेस्ट। अब कौन उसके दावेदार हैं? तो पहला बात ध्यान रखें कि इसके दावेदार का हम आपको चार पांच बतलाते हैं। एक दावेदार कि वन के अंदर जो रहते हैं, वो वन के अंदर देखिएगा आदिवासी रहते हैं, वन के अंदर रहने वाले कुछ निवासी होते हैं, वो भी दावेदार है, क्योंकि उनकी जिंदगी, उसकी उनकी जीवन प्रणाली, उनका संपूर्ण जीवन पद्धति वन पर निर्भर है। वो हो सकता है उसका जलावन के रूप में भी इस्तेमाल करते होंगे, आखेट भी वहां करते होंगे, और फिर उसका पत्ता चुनते होंगे, हो सकता है उसका कुछ पत्ता को बनाते होंगे, उसमें कुछ लकड़ी का संसाधन तैयार करते होंगे, उनकी जीवन ही उस पर निर्भर है। तो एक एक स्टेक होल्डर वो है। दूसरा है उद्योगपति। उद्योगपति कई ऐसे वन से संबंधित उद्योग होता है, जैसे बीड़ी बनाना, पत्ता बनाना, भोज का पत्ता बनाना, कई सारे उससे जुड़े हुए हैं, इमारती लकड़ी लेना, लकड़ी से कुछ सजावटी सामान तैयार करना, तो इन सब के लिए वन भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका अर्थ तो यह नहीं जिसको वन नष्ट करने के लिए दिया जाए। और उद्योगपति को वन से प्रेम भी नहीं रहता है, एक तरफ का यदि वन समाप्त हो गया फिर दूसरे तरफ जुगाड़ लगाने का शुरू कर देता है। तो उद्योगपति को वन का सबसे अच्छा स्टेक होल्डर नहीं माना जा सकता है, वो एक स्टेक होल्डर के रूप में है, लेकिन सरकार को उसके पीछे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तो उद्योगपति ऐसा होता है जो जुगाड़ लगा करके अपना कमीशन तमीशन अगरम बगरम माने एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद करके और वो बन के उन्मूलन के पीछे लग जाता है। तो उसको स्टेक होल्डर तो सब कुछ मानना भी नहीं चाहिए। तीसरा है वन जीव और प्रकृति प्रेमी। देखिये वन जीव प्रकृति प्रेमी को डायरेक्ट उससे कोई लाभ नहीं है, वो वन का दोहन भी नहीं करता है, लेकिन वो वन जीव और प्रकृति प्रेमी होने के कारण उसको प्रकृति नष्ट ना हो, प्रकृति बुरा रूप ना अपनावे, बाढ़ ना आवे, तूफान ना आवे, इन सब पर सोच करके वो वन और वन जीव का संरक्षण चाहता है, तो वो एक स्टेक होल्डर है और सरकार उसको महत्व भी चाहिए देती है। अगला और देखिए कि अंग्रेज ने किस प्रकार वन का दोहन किया, इसका एक छोटा सा उदाहरण जान लीजिए। अंग्रेज जब आया तो उसको वन पर भी ध्यान दिया, और वन पर भी उसने ध्यान दिया नहीं बल्कि उसके दोहन पर ध्यान दिया, वो वन को भी उजाड़ने लगा, आदिवासी को भी वो तीन तरह से किया। एक तो पहले उसको क्रिश्चियन में बदल लेता था, फिर दूसरा करता था जो उनके क्षेत्र का लकड़ी काट करके बैट बनाना, इमारती लकड़ी बनाना, उसको उसका कुछ अन्य चीज बनाना, कुछ ऐसा जिसका उद्योग में काम हो उसमें उपयोग करना, इसके लिए और कई जगह युद्ध भी हुआ, लड़ाई भी हुआ, आदिवासी और उनके बीच में लड़ाई भी हुआ करती थी, क्योंकि उनके लिए तो वन महत्वपूर्ण, कई ऐसी आंदोलन भी हुई। तो अंग्रेज ने जम करके वन और वन जीव संसाधन का दोहन किया था, और इसके कारण कई घटनाएं भी हुई थी जो इतिहास का विषय पड़ता है। तो ये उस अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ये दिया जाता है वन जीव संसाधन की रक्षा के लिए, भारत सरकार देती है। इस घटना के पीछे क्या है, खेजराली गांव था जहां पर खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए 1731 ईस्वी में 363 लोग लड़ पड़े, आ पड़े, टूट पड़े, और परिणाम हुआ 363 लोग नहीं आए थे तो हजारों लोग, कई हजार लोग आए थे जिसमें 363 लोग मारे गए। उसी में अमृता देवी बिश्नोई ये एक नेतृत्व करता थी, तो इनके ही नाम पर वन जीव संरक्षण का पुरस्कार भी भारत देती है। यदि आपने त्याग किसी क्षेत्र में किया है तो उस क्षेत्र के प्रति आपका नाम भी हो जाएगा, तो उस क्षेत्र में आपके प्रति पुरस्कार भी दिया जा सकता है। कई जगह जैसे रेवन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, वो भी महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने देश के लिए त्याग किया। महात्मा गांधी पुरस्कार चलता है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार चलता है, आप एक से देखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिन लोगों ने देश के लिए कुछ भी त्याग किया है, बलिदान किया है, उनके नाम पर पुरस्कार दी जाती है। तो फिर ये अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ये दिया जाने लगा, और ये घटना राजस्थान की जोधपुर की है। जल्दी बोल रहे रमेश पातोरे से पूछ रहे हैं ये कहां की घटना थी, खेजराली गांव कहां पड़ती है, राजस्थान के जोधपुर के आसपास ये गांव पड़ती है। और अमृता देवी बिश्नोई
पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन जीव संरक्षण पुरस्कार में दिया जाता है, या वन एवं वन जीव संरक्षण पुरस्कार। वाह वाह वाह, 80% नंबर तो आपको आएगा। चलो, संपोषित प्रबंधन। संपोषित प्रबंधन कहते हैं कि इंटीग्रेटेड, सबका ध्यान रखते हुए। तो ऐसा है कि उद्योग को जो कभी कभी वन का चीज उपलब्ध कराया जाता है तो उसमें उसको कम दाम पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे गांव वाले को तकलीफ होती है, वन के निकट रहने वाले को तकलीफ रहती है, और वो उसमें हर तरह का अतिक्रम अपना लेते हैं, भ्रष्टाचार तक में भी शामिल हो जाते हैं। तो इसको ऐसा प्रबंधन किया जाना चाहिए कि ना उद्योग और ना गांव वाले, इन सब के बीच एक संतुलन होना चाहिए, समग्र होनी चाहिए, एक इंटीग्रेटेड होना चाहिए कि कोई किसी का शोषण न कर सके, कोई किसी का दोहन न कर सके, कोई किसी पर हावी न हो जाए किसी भी प्रकार से। इसी संदर्भ में एक चिपको आंदोलन के बारे में जान लीजिए कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में स्थानीय निवासी का किया गया आंदोलन था। जब बैट बनाने वाले उद्योगपति एक खास तरह की लकड़ी काटने के लिए चले आए तो वहां पर पुरुष और महिला, या खास करके महिलाएं आकर के और वृक्ष से लिपट गई कि यदि आप इसको काटते हो, यदि इसको आप क्षमा चाहूंगा, यदि आप इसको काटते हो, यदि आप इस लकड़ी को हटाते हो पहले हमको काटना पड़ेगा। वो पेड़ से लिपट गए। इसके कारण चिपको आंदोलन बड़ा सफल रहा, देश में फैलने लगा, और परिणाम हुआ कि वहां के उद्योगपति को ये रोकना पड़ा, सरकार को वन काटने का आदेश रोकना पड़ा। इतना ही नहीं किए थे वो, चिपको आंदोलन में ऐसा भी काम किए थे कि वो आपको कोशिश करते थे जो कुछ आदमी में विभेद पैदा करे, कुछ आदमी को पैसा ले दे करके खरीद करके फूट पैदा करने के। लेकिन चिपको आंदोलन बेहद ही सफल आंदोलन हुआ था और काफी इसकी पूरे राष्ट्र स्तर पर इसको ख्याति भी प्राप्त हुई। ख्याति नहीं कह सकते बल्कि ये प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था और वृक्ष बचाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये रैनी नाम के नामक गांव की घटना है। रैनी, उसी के अगल बगल पेड़ काटा जा रहा था और यह 1970 के दशक की महत्वपूर्ण घटना है। तो किस दशक? 1970। किस गांव के निकट? रैनी गांव के निकट। जल्दी बोल रहा जी बा, कौन गांव के निकट? रैनी गांव के निकट। ठीक है, गलत जवाब देगा मारेंगे 10 गिनेंगे। वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का उदाहरण अब इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वन प्रबंधन में सिर्फ सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। इसमें लोग को भी शामिल कीजिएगा, समाज को भी शामिल कीजिएगा, सिस्टम को भी शामिल कीजिएगा, क्षेत्रीय सिस्टम उसको भी शामिल कीजिएगा कि अच्छा होगा। क्योंकि इसका बंगाल में देखा गया था, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने कुछ करा रूप अपनाया। इसके कारण क्या हुआ कि ग्रामीण और क्षेत्रीय लोग या वन के अंदर के लोग से झगड़ा हो गया, काफी लोग उसमें मारे गए, नुकसान हुआ, घायल हुए, और ये कामयाब नहीं हो पाया। दोनों के बीच एक विभेद हो गया और यहां तक कि नक्सली अभियान भी पैदा हो गया। तो इसी में ऐसा हुआ कि एक एके बनर्जी बंगाल के थे, बड़ा ही दूरदर्शी सोच वाले अधिकारी थे, उनकी सोच इस मामले में आगे थी। उन्होंने कहा कि हम जो वन को इस जिसको टिट फॉर टैट नीति से हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, लॉ और रक्त नीति की तरह से हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, पुलिस के बल पर कंट्रोल करना चाहते हैं, जबरदस्ती हथियाना चाहते हैं, तो ये चीज सही नहीं है। वहां के स्थानीय लोग को जिम्मेवारी दी गई कि आप भी इसमें भूमिका निभाते, और जो वन का उत्पादन होगा 25% आपका हिस्सा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आप इसका उपयोग करें। तो ये जब दिया गया तो उस स्थिति में एके बनर्जी का ये कामयाब हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो भी वन कर्मी थे उनका भी काम आसान हुआ, पुलिस का भी काम आसान हुआ, लोग उसके एवज में काम करने लगे, समाज को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का एहसास हुआ, और ये बेहद ही सफल योजना रही। तो यदि वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी लिया जाए, वहां का स्थानीय लोग हों, आदिवासी हों, वहां ग्रामीण लोग हों, तो उनका लिया जाए तो काफी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। और इससे ईंधन की लकड़ी चराने की अनुमति, ईंधन की लकड़ी के लिए भी उनको अनुमति मिल गई, चराने के लिए उनको अनुमति मिल गई, और साथ में कुछ जैसे बिल बनाते हैं तेंदू का पत्ता या भोज भात के लिए पत्ता बनाते हैं, इन सब की इजाजत मिली, उनको लाभ भी हुआ, व्यापारिक लाभ हुआ, उनकी आर्थिक आमदनी बढ़ी, तो ये एक फायदेमंद हुआ। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन भाग एक मैंने यही समाप्त किया, और बहुत जल्दी मैं इसका दूसरा भाग लेकर के आ रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।